उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गाजियाबाद में विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ रेट मंडी नंदा ग्राम में गार्बेज प्लांट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। यहां कूड़े को ट्रीट करने के लिए कई मशीनें लगी हुई हैं। इसके बाद प्रताप विहार में निर्माणाधीन 720 प्रधानमंत्री आवास देखे। इन फ्लैट्स को पाने के लिए करीब 2500 लोग आवेदन कर चुके हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो, उसकी गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आवासों के बारे में डीएम आर के सिंह से जानकारी भी ली। आपको बता दें कि सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहां से सीएम योगी सीधे हिडन नदी के पुल पर पहुंचे। अंग्रेजों के ज़माने का पुल टूटने के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 22 करोड़ रुपए से हिडन नदी का नया पुल बनवाया है। पुल करीब 176 मीटर लंबा है। ज़्यादातर काम पूरा हो चुका है। वहीं इसके बाद ये पुल जनता को समर्पित किया जाएगा। चौथी परियोजना के रूप में मुख्यमंत्री ने 41वीं वाहिनी पीएससी परिसर में 200 जवानों के लिए बन रही बैरक बिल्डिंग भी देखी। इस बिल्डिंग का निर्माण जल्द ही पूरा होने वाला है। इसके बाद पुलिस कर्मियों के लिए आवासों की दिक्कत भी दूर हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।